जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक और बहुत स्पेशल स्पेशल डिश। उसकी वजह क्या है, क्रिसमस है, क्रिसमस का महीना है और जो 25th को बहुत सारे ज़्यादा लोग समझते हैं कि सिर्फ टर्की ही खाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप टर्की खा करके फेडअप हो गए हो तो थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हो, या फिर जो बॉक्सिंग डे पे फिर बाकी का जो वक्त होगा न्यू ईयर तक ये सेलिब्रेशन चलती रहती है, आपको पता है। और द रियल रीज़न बिहाइंड दिस सीज़न इज़ ऑफ कोर्स हमारे यीशु मसीह, जो बैतलहम में 2000 साल से, थोड़ा सा ज़्यादा, 2014 years ago ही वॉज बोर्न इन बैतलहम, जिनकी सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ जो है पार्टीज करके उसको याद करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं जीसस को बर्थ को, लेकिन हम जो फैमिलीज में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो हम फेलोशिप करते हैं, उसमें खाना खाते हैं, साथ साथ खुदा की जो खास तौर पे जो नेटिविटी की स्टोरी है पूरी उसको याद करते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए चिल्ड्रंस बाइबल इंक्लूड करते हैं एंड बाइबल स्क्रिप्चर्स। सो मैं आज चाहूँगी कि इसके साथ साथ जो है आज एक आप खास स्पेशल डिश प्रिपेयर करें और इसका नाम बड़ा मज़ेदार है, क्रिसमस मसाला स्कॉच एग्स। और इसे हम सर्व करेंगे चिप्स के साथ। ऑफ कोर्स बच्चे चिप्स पसंद करते हैं, बड़े बुजुर्ग सबको चिप्स पसंद है। और अलोंग विद दैट ग्रीन पीस होंगे। सो वी गोना हैव क्रिसमस मसाला स्कॉच एग्स विद चिप्स एंड पीस। ऑफ कोर्स ग्रेवी आपकी मर्जी है, बना सकते हैं या फिर इसके साथ आप ले सकते हैं स्पाइसी सॉस ले सकते हैं, चिली सॉस ले सकते हैं या फिर केचप। तो आओ अज़ीज़ो आज मेरी मदद करें प्लीज, किचन में मेरे साथ रहिएगा ताकि बड़ी मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसको बनाने में और बहुत आप इंजॉय करेंगे। मुझे पता है कुकिंग सबको पसंद है, शायद कुकिंग से ज़्यादा खाना बहुत सारे चीज़ों को पसंद है। तो आए मुझे ज्वाइन करें, अगर आपको कुकिंग का शौक है फिर भी ज्वाइन करें, खाने का शौक है फिर भी इस प्रोग्राम को देखते रहें। मेरे साथ सर झुकाएंगे और हम खुदा के सामने सारी बातों को रखेंगे जो हमारा बाप है, हमारा खुदा है, हमारा पिता है। प्यारे आसमानी बाप, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा, बड़ी हलीमी के साथ खुदा तेरे पास आए हैं। और खुदावन जैसे आज सब मेरे साथ शामिल हैं इस किचन में, मैं चाहती हूँ खुदावन कि आप अपना हाथ बढ़ाएं और जितनी भी चीज़ें यहाँ रखी हैं जिनको हम प्रिपेयर करने वाले हैं, खुदावन तेरा हाथ चाहते हैं। यीशुआ तू इसे छू पाक साफ कर, जो ताकत हासिल करें तेरे नेक और अच्छे कामों में सर्व करें। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। खुदा जी खुश होते हैं जब हम खुदा से ब्लेसिंग मांगते हैं, किसी भी काम को शुरू करते हैं तो यीशुआ को साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रही थी, चीज़ों को प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने कहा जीसस मेरी मदद करें। आप भी जब कुकिंग करें तो जीसस का जो है डेफिनेटली ब्लेस्ड हाथ मांगे, ब्लेसिंग मांगे, क्योंकि वो पसंद करता है कि हमारी ज़िंदगी में ना कि सिर्फ जो है जब हम बीमार हों या सोने जा रहे हों या उठ रहे हों तो दुआ करें, हर वक्त हमें दुआ में लगे रहना चाहिए, हर काम में यीशु को आगे रखना चाहिए। चलिए तो चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि चिप्स भी बनाने हैं, टाइम लगेगा उसको, फिर उसके साथ जो मसाला खासतौर पर क्रिसमस मसाला स्कॉच एग्स बनने वाले हैं। आपने बहुत स्कॉच एग्स खाए होंगे लेकिन जैसे सरफराज कहते हैं आज जो यहाँ हमारे किचन में बनेगा इट विल हैव टू बी डिफरेंट। ओके लेट्स मूव ऑन। स्कॉच एग बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए होंगे, तो देख सकते हैं कि कैमरा भी मैं खुद ऑपरेट कर रही हूँ और मैं शेफ भी आज आपकी खुद ही हूँ। मैंने लिया है, इसके लिए हमें चाहिए होगा मिन्स, तो बहुत अच्छा मिन्स मैंने आज सुबह ही सरफराज से मंगवाया, ये मैंने इसको जो है परात में डाल लिया, किसी भी खुले बर्तन में आप डाल लें। आपको चाहिए होगा मिन्स और इसके साथ जो है क्योंकि ये लैम का है, चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है ले सकते हैं। तो ये लिया है मिन्स और इसके लिए हमें चाहिए होगी ऑफ कोर्स स्पाइसेस, जो क्योंकि मसालादार बनाना है इसे, तो इसमें जो है ये हमने मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे के पास आके हेल्प करती हूँ। इसमें देख सकते हैं ये टीस्पून मैंने लिया है यानी कि छोटा चम्मच, उसमें है मिर्ची, लाल मिर्ची, जीरा, गरम मसाला और नमक। और हो सकता है कि आप इसमें कुछ और स्पाइसेस डालना चाहें जैसे हरी पिसी हुई मिर्चें, जो भी आपका दिल करे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए हरी मिर्च नहीं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड करके, क्योंकि वो जब वो इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा फिर मिर्ची के बर्न होने की जो है थोड़ी सी घर में फैल जाती है उसकी, तो सबको इरिटेशन होती है, तो हम नहीं चाहते किसी को क्रिसमस के मौके पे इरिटेट करें, बल्कि हम अच्छा सा खाना बनाकर उनको खिलाना चाहते हैं। तो अपने मेहमानों के लिए आप प्रिपेयर करेंगे जब मसाला स्कॉच एग्स, तो ये जो है स्पाइसेस आपको चाहिए होगी। इसके साथ साथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्स, आज अंडों का जो है मेन काम है, तो बहुत सारे हमें अंडे चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ जो है हमें ऑफकोर्स गार्लिक एंड जिंजर, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बनाया हुआ है, मैं उसको एक चम्मच उसमें डालूंगी। एंड विद दैट ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू नीड
कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर जो है इसको जोड़ेगा, जब हम इसके बनाएंगे आपको देखेंगे गोल गोल कितने प्यारे लगेंगे। तो इसके लिए ये हमें चाहिए होगा कॉर्न फ्लावर, ये मैंने लिया है, और ऑफ कोर्स लाइक आई सेड एग्स वी आर गोइंग टू नीड। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने अंडे को बॉयल कर लिया है, हार्ड एग्स हमें चाहिए, हार्ड बॉयल्ड एग्स चाहिए होंगे, एनी थिंग बिटवीन 7 to 10 मिनट्स यू नो इज़ गुड। फिर उसके बाद जो है इसको ठंडे पानी में रखा थोड़ी देर के लिए ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। मेरे पास है मिन्स जो हमने लिया है, और इस मिन्स में अब बाकी की जो हमने डालनी है जो स्पाइसेस, क्योंकि हम स्पाइसी बना रहे हैं तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो चाहिए, ये तो पीस बाद में हमें चाहिए। सो वी गॉट द मिन्स, मिन्स में हम डालेंगे सारी स्पाइसेस जो मैंने ली थी, टीस्पून लिया था गरम मसाला, नमक और लाल मिर्ची, ये सारा कुछ इसमें डाल देते हैं हम। एंड देन आफ्टर दैट जो कॉर्न फ्लावर जिसके मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं, तो उसको जो है बीच में डालेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे हम जो है इसको साथ साथ मिलाएंगे पाउडर को। ये है हमने डाल दिया, और जो इसके बाद है क्योंकि हमने बाकी सब कुछ डाल दिया, तो इसके बाद जो है हम, मैं चाहूंगी कि हम डाल दें जिंजर गार्लिक प्यूरी, तो ये मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया है, चलो बी लिटिल बिट जेनरस, चले 1.5 डाल दिया मैंने। ये बड़ा हैंडी रहता है ग्राइंड किया हुआ। अब जो है हमें चाहिए अंडा चाहिए इसके लिए ताकि ये जुड़ जाए अच्छी तरीके से। तो अंडे के लिए जो है एक इस तरह से मैंने अंडा लिया है, अब इसको मतलब जैसे हमें जो है योक नहीं चाहिए इसका, जो है येलो अंडे का जो है जर्दी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वाइट इसका जो है चाहिए होगा। तो क्या करते हैं इस अंडे को तोड़ने के लिए, कई बार तो आप हाफ क्रैक करके जो है एक दूसरे में जो है येलो को करके जो वाइट सेपरेट कर लेते हैं। लेट्स ट्राई एंड डू दैट बिकॉज इट्स बिट ट्रिकी, बट क्योंकि हमें येलो नहीं चाहिए तो इस तरीके से आप ये वाइट निकाल सकते हो। सॉरी मेरा हाथ आगे आ रहा है, लेट मी जस्ट टेक द कैमरा डाउन अ बिट सो दैट यू कैन सी व्हाट आई हैव जस्ट डन। ये देखें जो है येलो जो है अभी भी अंडे के अंदर है, और आप बड़े आराम से यूं यूं करके जो है इसका येलो सेपरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें सिर्फ वाइट चाहिए इसका एग योक, तो इसको जो है अब हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे जो है मदद होती है इसको मिक्स करने में मिल जाएगा, यानी कि हमें चाहिए क्योंकि अंडों के ऊपर इसको हमने लपेटना है। तो ये जो है अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स हाथ से ही करना पड़ेगा। लेट्स सी, थोड़ा सा कर लेती हूँ फिर मैं हाथ से, और जब ये करें तो आप अपने हाथों को तेल भी लगा सकते हैं, तेल से जो है फिर आपके हाथों को इतना ज्यादा लगता नहीं है। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, पुट सम ऑयल, हाथ पे यूं लिया थोड़ा सा तेल, तेल के साथ फिर जो है आपने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। आटे की तरह बेसिकली हो गया, लेकिन वेरी जेंटली जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्पाइसेस एक जगह पे ही रहें, इवनली सारे लग जाए मिन्स पे। तो नमक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब कुकिंग नहीं की और आप सोचते हैं कि पता नहीं कैसा इसका टेस्ट होगा, अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत प्यारे, क्योंकि हर चीज़ बनाने से और कोशिश करने से ही है कि हमें आती है, अदरवाइज इफ़ वी डोंट ट्राई यू नो वी नेवर नो कि कैसा बनेगा। क्योंकि हम खाते हैं दूसरे के हाथों की बनी हुई चीज़, तो हम कितना एडमायर करते हैं, कितना कहते हैं अच्छा बनाया, तो इट्स नाइस कि जब आप भी बनाएं किसी को खिलाएं तो बहुत खुश होंगे। ये बड़ी अच्छी तरह से, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट एक फ्यू मिनट्स, और यूं जो है सारा इसमें मिक्स कर दिया, हाथ से आपको इसको मिक्स करना होगा। मिक्स करके आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, तब तक जो है आप, जैसे मैं आलू पील कर लेती हूँ चिप्स के लिए इन बिटवीन, तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद जो है 10-15 मिनट इसको रख दें, तो ताकि जो सारी हमने इसमें मिर्च मसाले डाले हैं तो बड़े मज़ेदार हो जाएंगे। सो दैट्स गुड, इट्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, एंड देन वी जस्ट गोइंग टू लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स।
इसको जो है फ्रिज में आप ढक के रख सकते हैं, सो यू कैन पुट क्लिंग फिल्म डाल सकते हैं, इसको जो है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। चिप्स के लिए जो है हमने स्किन आप रख भी सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्किन अगर आपके घर वाले खा लेते हैं तो आप चिप्स भी पोटेटोस पे रख सकते हैं, स्किन भी हाँ जी आलू के साथ ही फ्राई कर सकते हैं, बट लेकिन थोड़े से फसी हैं तो इसलिए बच्चों के लिए जो है चिप्स को हम बनाएंगे। और इसको काटने का तरीका भी बहुत अच्छा है, वैसे आलू काफ़ी खाए जाते हैं, हम हमेशा जब भी आलूओं की बात होती है तो वाकई काफ़ी लग जाते हैं, तो वैसे तो रेड पोटैटोस मुझे पसंद हैं, उनके अगर आपके पास नहीं है वाइट पोटैटोस तो आप लाल आलू जो हैं बहुत अच्छे हैं खाने के लिए, और ये ज़रा थोड़े से स्वीट होते हैं तो इसलिए अच्छा लगता है कि चिप्स जब बनाएं तो सफ़ेद आलूओं के ही। तो मैंने जो है बड़े बड़े साइज़ के आप देख सकते हैं लिए हैं आलू, और अभी इनके जो है हम चिप्स काटेंगे, और पानी में थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, ये सिर्फ सादा पानी है और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी, और जो है चिप्स काट के इसके अंदर रख देंगे। तो अब चलती हूँ आपको बताती हूँ कि चिप्स बहुत अच्छे। अच्छा, चिप्स बनाने के लिए थोड़ा सा ये है कि पहले जैसे ये फ्लैट मुझे मिल गया तो ये अच्छी तरह से तरीके से बैठ जाएगा, थोड़ा सा आप साइड से काट दें, ओके, थोड़ा सा दूसरी साइड से ये काट दें, और इसके बाद जो है इसको हाफ कर लें, यूं होममेड चिप्स हमने बना रहे हैं तो इसलिए जो है इसको हाफ आपने काट लिया, और अपने हाथ में लेके अगर आपको मुश्किल लग रहा है जैसे मुझे भी कई बार लगता है तो आप यूं काट सकते हैं। अच्छा, तो जो है चिप्स हमने काटने हैं, ज़्यादा कहते हैं कि बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए, तो है यू नो वी लव होममेड चिप्स, सबको पसंद है, तो ठीक ठीक मतलब साइज़ के आपने काट लेने हैं, इस तरह से काट के जैसे मैंने कहा आपने जो पानी नमक जिसमें डाला था उसमें डालते जाना है ताकि ये ब्राउन ना हो जाए। तो इसके साथ जो है चिप्स को भी तैयार करने में टाइम तो लगता है लेकिन मज़ा बहुत आएगा आप। जी, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी देर के लिए मिन्स को जो मिक्स किया था स्कॉच एग बनाने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, अब मैंने निकाल लिया है, और हमें थोड़ा सा चाहिए होगा कॉर्न फ्लावर चाहिए होगा, और अंडे जो मैंने पील कर लिए हैं हार्ड बॉइल्ड अंडे चाहिए आपको, अब जो है हमें दो और अंडे चाहिए, इसको जो है मैं इसमें कर लेती हूँ क्योंकि जो है आप देखेंगे कि इसका भी इस्तेमाल होगा, अब जो है पूरा अंडा जो है इसमें दो अंडों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से थोड़ा सा इसको कर लें क्योंकि अंडे की जरूरत, और उस तरफ जो है आपने मैंने फ्राइंग पैन जो है ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है उसमें, ताकि जो है गरम गरम ऑयल हमें चाहिए होगा इनको फ्राई करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, इस जैसे पहले हमने ऑयल लगाया था हाथों को जब इसको प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमें आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूं करके आप एक अच्छे साइज़ का पेड़ा ले लें, गोल गोल यूं पेड़ा बना के इसका आप देख लें, क्योंकि बड़े अगर अंडे हों तो आपको बड़ा साइज़ का जो पेड़ा चाहिए होगा, अगर छोटे हैं तो फिर जो है छोटा, तो इसको जो है आपने जैसे आपने इसको फ्लैट कर लेना है, फिर इसके कई बार जो होता है कि चिपकता है लेकिन इट्स वेरी गुड, हमने बहुत राइट अमाउंट जो है, और इसके अंदर आपने अंडा यूँ रख दिया, देखिए आपने यूँ अंडा रख दिया, अब इसको है आपने कवर करना है, तो कोई भी इसमें जो है इसको फुली सील करना है अच्छी तरह से, अगर आपको कोई गैप या क्रैक नजर आए उसको बंद कर दें अच्छी तरह से। अगर अभी अभी आपने देखना शुरू किया है तो आज हमारी किचन में बन रहे हैं क्रिसमस मसाला स्कॉच एग्स, आपने खाए होंगे, रेडीमेड मिलते हैं बच्चे खाते हैं, लेकिन ये जो है हम मिन्स मीट यानी कि लैम मीट से बना रहे हैं, तो यूँ इसको आपने अच्छी तरह से शेप देनी है,
लेके आप चेक कर लें और देख लें कहीं अगर कोई क्रैक है तो उसको अच्छी तरह से कर दें बंद। फिर इसके बाद अंडे में रखेंगे थोड़ा, इसको स्टेप डिप इन द एग ताकि ये सील हो जाए पूरे का पूरा। जब अंडा रख लिया, अंडे के बाद इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कवर कर लें। होप यू कैन सी, सॉरी खुद का ही कैमरा आज कर रही हूँ ना, तो इसलिए जस्ट घुमा देती हूँ ताकि आपको नजर आए। तो ये देखें अंडे में उसको करके, तो फिर जो है इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देने हैं और जो एक्स्ट्रा लगे हैं उनको यूज करके आपने झाड़ देना है। और इस तरह से हम जो है नेक्स्ट वन बना लेते हैं। के लिए तेल नहीं, आपको सूखे आटे की जरूरत होगी, तो थोड़ा सा गोल गोल किया। आप माहिर हैं, सारे चैंपियन है रोटी बनाने में, तो तो है इसको यूं किया, थोड़ा सा आटा लेके इसको फ्लैट अपने हाथ से कर ले। कई बार ऐसा होता है स्टिकी सा फील होता है, फिर उसके बाद आपने अंडा लेना है इसके अंदर रख देना और ये सारा आहिस्ता आहिस्ता इसका मुंह बंद कर देना है। अंडे को आपने मिंस में छुपा देना है वेरी जेंटली, इसको क्रैक्स नहीं इसमें होने चाहिए। ओके तो ये है इसको सारा अंदर छुपा दिया। ये देखें हार्ड बॉइल्ड एग मिंस मीट जिसमें हमने सारी स्पाइसी डाली, क्योंकि क्रिसमस का वक्त है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट खाना खाया जाए। यू नो वी हैव फिश एंड चिप्स, वी हैव स्टेक एंड चिप्स एंड पीज एंड सॉसेज एंड चिप्स, यू नेम इट, यू नो हम खाते हैं। तो आप जो है हम मसाला स्पाइसी जो है मसाला यानी कि स्कॉच एग बना रहे हैं, तो अंडे में इसको इस तरह से जो है वो सील हो जाता है, पर मेक श्योर करना है कि आपको क्रैक नहीं होना चाहिए जब वैसे। उसके बाद इसको हमने ब्रेड क्रम्स जो हमने लिए हैं, ब्रिंग इट क्लोजर सो यू कैन सी, तो उसमें इसको यू रोल कर दें ताकि जो है हर तरफ लग जाए। ये जो लग गया, जो एक्सेस वो खुद ही गिर जाएगा, उतर जाएगा। तो ये है, दिस इज अवर सेकंड वन। ओके लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आई एम एंजॉयिंग दिस एक्चुअली, अच्छा लग रहा है। और कैसे बताएं, जब ग्लोरी टीवी के लाइव प्रोग्राम होते हैं, मैं बताएं आप किस तरह से क्रिसमस मना रहे हैं। मैं अक्सर पूछती होती हूँ कि किस तरह से मना रहे हैं आप क्रिसमस, क्या कर रहे हैं, तो आपकी फीडबैक बड़ी अच्छी लगती है। Or I'm glad that you get excited about our cookery programs, because there are some viewers who are just surfing channels, ek channel se dusre channel pe ja rahe hain, to suddenly they come across this channel, you know, khana banaya ja raha hai aur ye wo, to acha lagta hai aap se mil ke baat karke ye wo. Don't worry about the size. So humne usi tarah se liya mince ko aur anda इसके अंदर रखा और यूं बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उठा के, अगर आपको लगे कि आपके हाथों को चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप लगा लें फोम फ्लावर,
बहुत अच्छी लगेंगी। आप वैसे भी अगर चिप्स के साथ नहीं सर्व करना चाहते, इफ यू डोंट हैव चिप्स, यू नो यू फील, हम हमेशा कहते हैं बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं कि हाँ ये फ्राई फूड ना खाया जाए, अगर नहीं लेना चाहते तो एज इट इज़ भी आप खा सकते हैं। ओके, तो ये है नाइस अंडे की शेप सी बना दी। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, इससे पहले कि आप ब्रेड क्रम्स में डालें, यू हैव टू पुट इट इन द एग। गॉश, ओके, मैसी है, नेवर माइंड। जो है तो उसके बाद वही रोल इट इन क्रम्स में अच्छी तरह से, चारों तरफ लग जाना चाहिए। जो है जो एक्स्ट्रा होगा उसको झाड़ सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। ओह यस, तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ कि फ्राई करने जा रहे हैं अब इसको। जैसे मैंने कहा कि अब ऑलरेडी मैंने सॉरी जो है तेल रख दिया था, तो उसमें साथ साथ मैं बनाती भी जाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमने अंडा बनाया है, वी कैन जेंटली लोअर इट डाउन, उसको रख देंगे और बहुत मध्यम हीट होनी चाहिए, वेरी लो गैस पे आप इसको बनाना है क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से पकना चाहिए। कैन यू सी? ओके, तो ये अंडे हमारे बैठ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है हम इसको टॉस करेंगे और पीस भी साथ साथ रखे हैं मैंने। And they're going to get ready as well very soon. तो ये हमें अच्छी तरह से जो है सारा पकाना है। It's looking good and it feels good, it smells good. सब कुछ है इसके अंदर, जैसे मिर्ची का, अगर आपको मिर्ची पसंद है तो इसमें मिर्ची डाली है। तो इसको बेसिकली वो भी स्पाइसेस साथ साथ में आपको बता भी देती हूँ। ओप्स डेजी, ये फ्लावर बड़ा मेस करता है, इतना फाइन है ना ये कॉर्न फ्लावर। इस तरह से बना रही हूँ इसको और बड़ी आहिस्ता आंच पे रखा है ताकि जो है आराम से पके। और फिर ये लिया अंडा, अब तो अब एक्सपर्ट हो गए होंगे देख देख के, तो बड़ा आराम से इसको बड़े प्यार के साथ नीचे से जो है मिन्स को उठाते जाएं और यूँ इसको हमने बंद करना है। लाइक आई सेड, इफ यू फील योर हैंड्स अ बिट स्टिकी, थोड़ा सा लगा लें आप, बहुत मज़ा आएगा। ये बड़ी ब्यूटीफुल, ये जब ब्रेड क्रम्स लग जाते हैं ना तो उसके बाद जब हम फ्राई करते हैं इसको, बड़ा क्रिस्पी इसका मज़ा आता है। सो मेक श्योर कि प्लीज़ इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको गैप नज़र आए उसको अच्छी तरह से आपने बंद करना है। सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू गोना, यू नो, जल्दी जल्दी वाली बात नहीं है, इसको बड़े प्यार से आपने आराम से, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो किचन में, आराम से आप बनाएं, बना के रख लें, बाद में जब आए मेहमान तो उनको आप खिला सकते हैं। अच्छा, फिर इसको जो जैसे पहले की तरह अंडे में अच्छी तरह से फ्रॉम ईच साइड इसको करने के बाद ब्रेड क्रम्स में यू तो बड़े क्रिस्पी मज़ेदार होंगे, आप रियली इंजॉय करेंगे। तो ये इसको भी मैं रख देती हूँ। ओके, और अब हमारा फाइनल लास्ट स्कॉच एग क्रिसमस मसाला स्कॉच एग बन रहे हैं। तो ये यूँ, ये वैसे यूँ ही फील हो रहा है जैसे मक्की की रोटी को बना रहे हैं हम, क्योंकि वो भी बड़े प्यार के साथ बनानी पड़ती है कि टूटे ना। लेकिन अगर जैसे इसमें अंडा डाला है, कॉर्न फ्लावर डाला है मिन्स के अंदर, तो जिसकी वजह से ये जो है बड़ी अच्छी तरीके से बन रहा है। तो वे भी गो, ओके, और मेक श्योर आपने ज़्यादा नहीं प्लीज़ आटा लगाना। ओके, अगर स्टिकी हो रहा है तो थोड़ा सा बस पाउडरी करें हाथों से, जस्ट लाइक दैट। ओह दैट्स लवली, और देखें, चेक करें। तो इसको अच्छी तरह से हो गया ये सील, एंड देन द एग रियली हेल्प्स, एग से बड़ी हेल्प होती है। ओके, फिर इसको डाला इस
थोड़ा मेसी हो जाता है किचन, बट इट डजंट मैटर, फिर खाना भी तो है ना। ओके, ये इसको रखा, ये सारे ब्रेड को इसमें रोल किया आसानी से। आपको काफ़ी लगाना पड़ेगा मिन्स, यानी थोड़ा सा पतली सी लेयर से नहीं, अच्छी तरह से, और क्योंकि इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि मिन्स अच्छी तरह से पक जाए। एंड मेक श्योर के क्रम्स जो हैं ये क्रिस्पी होंगे, अच्छी तरह से ये लग जाए। ओके, हम दोनों फ्राई दैट बाद में, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तेल का काम में बड़ा संभाल के करना पड़ता है, तो बी वेरी केयरफुल। वेरी जेंटली, थोड़ा फ्राइंग पैन क्राउडेड हो गया है, बट इट्स ओके, विल मैनेज। ये देखिए, बड़े आराम के साथ इनको आप पकाएं, और ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी लग रहे हैं। और इसके अंदर जो है हमने अंडा डाला है और क्रिसमस मसाला, स्कॉच एग्स, क्योंकि आम स्कॉच एग्स तो आप खाते होंगे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा मसाला डाला है, इंडियन स्टाइल कुक किया है, तो ये पूरा फुल मील आपका होगा। स्कॉच एग के साथ है चिप्स, होम मेड होम कट चिप्स, और साथ पीस आप ब्रोकली लेना चाहें, एनी ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ खाना चाहें खा सकते हैं, सोस ले लें, चिप्स पे ग्रेवी ले सकते हैं, इवन एज इट इज आप उसको बनाकर खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने के चिप्स या पीस या वेजिटेबल लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, इंजॉय इसे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मीन्स जो है उसे थॉरली कुक होना चाहिए, तो इसलिए हल्की आँच पर इसको पकाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये वाले जो हैं तैयार हो गए हैं। यू कैन चेक ईच साइड दैट इट्स कुक्ड प्रॉपर्ली, थोड़ा सा और इस साइड पे जो है कर लेते हैं। क्रिसमस पे जो टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी आ रहे हैं,
और आप सब जो हैं साथ हैं हमारे, बहुत खुशी हो रही है। खुदा से दुआ है कि इस साल जो है खाने दिए हैं अच्छी डिशे, हमने काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के खाने टेस्ट किए हैं। तो इफ़ यू लुक बैक जनवरी से आपने क्या खाया था, यूजली क्रिसमस पे तो हमारा जो यूजुअल खाना होता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस लेके आए जब मेहमान आए होंगे, बच्चे स्टे ओवर करने के लिए आए होंगे, एंड दे लव चिप्स एंड यू नो इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ सर्विंग स्कॉच एग, तो कर लें आप सर्व। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये जो है एज यू कैन सी जो एंड है उसको भी थोड़ा सा पका लें। ये बस आप खुद चेक करते जाएं कि जहाँ जहाँ से ये नाइस एंड गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब ये पक गया है और क्रिस्पी है। चिप्स भी रेडी हैं, तो ये देखें ये जो पहले हैं बिल्कुल पक गए हैं और ये पुख्त हैं। अगर थोड़ी सी भी कसर है तो आप इसको कर सकते हैं। नैपकिन पे रख के ताकि जो इनमें कोई एक्सेस ऑयल है वो जो है बहुत प्यारा ये हो गया है। इसका भी सख्त हो रहा है, उसको भी मेरा ख्याल पूरा साथ में खड़ा कर देते हैं। इसमें जाने का बहुत ही मज़ा आया। आपकी बार जो थे बहुत डिफरेंट साइट्स पे गए, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे हैं तो हम याद कर रहे हैं कि पूरे साल हमने क्या किया। तो आप ग्लोरी टीवी पे देखेंगे बेस्ट ऑफ 2014 जो है पुराने प्रोग्राम, पुराने नहीं मतलब जो खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। और प्लीज़ कभी भी आप ना ये कहीं ये बार बार वही प्रोग्राम लगते हैं तो आप खुदा के कलाम की जो है तोहीन करते हैं, आप गुनाह करते हैं ये कह के, क्योंकि बाइबल जो खुदा का मुकद्दस कलाम है वो बदलता नहीं बल्कि लोगों को बदलता है। तो आपको भी जो है इसे सुने और ये ना तनकीद करें कि ये फिर से लग गया, क्योंकि वो लगा है आपके लिए ताकि आप उसमें से कुछ सीख सकें। बाइबल वही मुकद्दस कलाम है जो हज़ारों साल से वही कहता आ रहा है, वो कभी तब्दील नहीं होता बल्कि इंसानों को तब्दील करता है, बदल देता है। तो जब भी आप देखें तो बेस्ट ऑफ 2014 आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रोग्राम, उसमें यू नो बाइबल स्टडी के प्रोग्राम्स आप बहुत पसंद कर रहे हैं। उसमें ऑफ कोर्स बाइबल की नबूवत प्रोग्राम इस सब कहते हैं कि बहुत उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने के लिए उनको मिल रहा है। और मेरे लिए और सरफराज के लिए बहुत हम्बलिंग बात है, बहुत हलीम करती है ये बात मुझे और सरफराज को कि हम इस लायक नहीं कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को जो है पेश कर सकें, लेकिन खुदा बाप जो है हमारी मदद करता है। हम उसी का ही दिया हुआ है सब कुछ और उसी के ही हुक्म से सब कुछ होता है। तो ये बड़ा राइट टाइम है मैं समझती हूँ कि जो मुकद्दस कलाम घर घर तक पहुँच रहा है, जिन्हें सारे नो मौका मिल रहा है खुदा के कलाम में सुनने का। और कलाम के नाल अजीज़ा के दिल भी जड़े हैं सॉफ्ट हो रहे ने, खुदा का रूह उन्होंने समझा रहा है कि कलाम का की मतलब है और कितना इनू अपनी जिंदगी में लेना जरूरी है पढ़ना। और इस सब तो ज़्यादा जरा पढ़ना तो एक गल हैगी लेकिन उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो यह साड़ी हमेशा सारे की दुआ होनी चाहिए कि खुदावन जी असी थोड़ा कलाम पढ़िए और उस पर चलीए भी। तो एक मुश्किल नहीं है चलना जो खुदा ने तुसी अपनी ज़िंदगी देती है, बस थोड़ी सी बात यह है कि मुश्किल उनको लगता है जो अपनी आदतें नहीं बदलते। मैंने मोस्टली जो है देखा है लोगों में कि उनकी जो ओल्ड हैबिट्स होती हैं उनको नहीं वो छोड़ते, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। ख़ास तौर पे सब तो बड़ा बड़ा कंट्रोल मतलब अपनी ज़ुबान पे अगर हम लगाएं तो सानू सारियां बरकतां मिल जाती ने सानू इतने बैठे ही, क्योंकि प्रभु कभी भी उस गंदी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करेगा जो चुगली करती है, जो खुदा कलाम के लिखा कि खुला मुँह खुली ज़ुबान जी है वो खुली कबर के बराबर है।
ਤੇ ਕਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਭੈਣ ਹਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸੇ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜੀਭ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ 2014 ਮੇਂ ਕੀਆ, ਔਰ ਆਪ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਅਨਨੈਸੇਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੋਮ 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 ਪੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲੀ ਜੀਨੀ ਜੀਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਜ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਕੋਕੇਟ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਜੋ ਆਜ ਸੇ ਹਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਸਾਲਾ। ਸੌਰੀ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿਪਸ ਡਾਲ ਲੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਤੇਲ ਕੇ ਕਾਮ ਸੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਹਮਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਸਾਲਾ ਸਕੋਚ ਐਗਸ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਸਾਲਾ ਸਕੋਚ ਐਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੇ ਟਰਕੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਖਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਚਾਰੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਮੇਂ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੀਮੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਮਿੰਸ ਮੀਟ ਹਮਨੇ ਲਿਆ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਹਮਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਬ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਬੜੀ ਆਪਣੇ
जनक चली तो हर राह सजा गई हो शबनम मह तुम्हें घुल कर हर शय पे छा गई बहती धनक चली तो हर राह सजा गई Uh-huh.